Assalamu alaikum, namaste, hi, this is Zareen, welcome back to my channel. So after a long while I have come with a new video and today's video is all about this toddler which I bought for my baby ke liye. So let's start this video. So let's start from the handlebar. Two buttons diya hua hai left and right side mein aur aapko ise aiste se press karna hai aur apne height aur comfort ke hisab se dono ko adjust karna hai. लास्ट इसका है यहाँ तक और मैक्सिमम है इतना तक, जिसे कि आप देख सकते हो. हैंडल बार के पास एक सेफ्टी रिस्ट स्ट्रैप भी दिया हुआ है जिसमें क्लियरली वार्निंग इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यूज द रिस्ट सेफ्टी बेल्ट टू अवॉइड द स्टॉलर एक्सीडेंटली स्लिप आउट ऑफ हैंड. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स प्लीज यूज दिस और आप लगाकर अपने बेबी को राइट पे ले जाए. नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस कप होल्डर जिसकी क्वालिटी अच्छी और थोड़ी अच्छी हो सकती थी एंड यू कैन पुट दिस बॉटल व्हेन गो आउट फॉर अ राइड विद योर बेबी. नेक्स्ट है ये कैनोपी टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम सनलाइट. सो आफ्टर द कैनोपी हियर कम्स द आर्मरेस्ट फॉर द बेबी. ये जनरली बेबी जब सिटिंग पोजीशन में होगा तभी यूज करना है. सो इफ यू आर टेकिंग योर बेबी आउट ऑन ए विंडी डे और या कभी आपकी बेबी स्लीपिंग पोजीशन में है एंड यू डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बेबी, यू कैन फुल्ली कवर योर बेबी बाय पुटिंग दिस कैनोपी अप और ये पूरा कवर करके. दिस टू बटन्स आपको लगाना है आर्म रेस्ट में ऐसे. मैं थोड़ी स्लो, अब जल्दी कर लेना. एंड नेक्स्ट ये जो जिप है आपको क्लोज करना है यहां से. क्लोज व्यू आ रहा है, देख रहे हो, लगा दो बस. ये हो गया. मुझे आपको बताना है कभी कभार क्या होता है कि जिप अटक जाता है ये कोई फैब्रिक अगर अंदर चला जाता है तो व्हाट यू कैन डू इज जिप ये क्लोज किया लाइक दिस एंड यू कैन यूज दिस कॉर्नर ऑफ योर थंब हियर, यू पुट दिस लाइक दिस एंड ये यू कैन स्लाइड इट अक्रॉस स्मूथली और ये पूरा लग जाए. इसमें 5-point सेफ्टी हार्नेस भी है. यू कैन सी दिस बटन टू डिटैच द क्लिप्स और ये कैसे लगाते हैं और खोलते हैं ये भी, खोलना तो मैंने दिखा दिया है, लगाने का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी इसके साथ. नेक्स्ट आता है ये एक रिमूवेबल और रिवर्सिबल कैरी कॉर्ड है जिसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था. तो लेट्स चेक दिस आउट कि कैसे करते हैं. यू कैन यूज दिस ट्रिक अगेन. थंब के इस पार्ट को ये सर्कल के यहाँ रखना है एंड यू पुट दिस फिंगर इन दिस नेक्स्ट बटन विच इज सिमिलरली आपको इसी साइड में भी ये थंब को ऐसे रखना है इस सर्कल के बटन के ऊपर और नेक्स्ट जो स्क्वायर बटन है उसमें दबा प्रेस करना है दोनों साइड में एक ही साथ एंड यू हैव टू पुल दिस अप. रिवर्स करके इसको आपको इनवर्ट पोजीशन पे ऐसे रखना है. सो इफ यू कैरी योर बेबी लाइक दिस यू कैन सी व्हाई यू गो फॉर अ राइड. Small babies are in resting position only, I mean the sleeping position. But when you want to convert it into a stroller, थोड़े से adjustments हैं जो आपको करने होंगे. Let me show you how it's done. तो नीचे की तरफ से ये जो thin rod दिया हुआ है आपको ऐसे ऊपर की तरफ खींच के ये दो strap को tuck करना है. यहाँ थोड़ा tight है. Okay, it's done. And then you tuck this one as well. Okay.
Now, handlebar, I mean the armrest, इसको लगा के for the baby. ये आप first एक resting position में इसको रख सकते हैं. This is the rest position. Please make sure it's securely done. And next, इसको ऐसे sitting position में भी रख सकते हैं. But make sure your baby is older than 6 months. Now, one more thing, very important. ये strap जो है, आपको please make sure करना है. Whenever you take them out for a ride, ये strap हमेशा लगा हुआ हो. Even if the baby is older than 6 months. इसे वापस में cot position में लाने के लिए, you have to press this round buttons दोनों साइड से एक साथ. It's done. And नीचे से आपको ये detach करना है. And put this rod down. And your cot is done. Next आते हैं यहाँ एक zipper pouch दिया हुआ है. ठीक cot के नीचे. यहाँ आप कुछ wallets वगैरह रख सकते हो. नीचे एक बास्केट दिया हुआ है जहाँ पर आप मेटर्निटी बैग्स, टॉयज वगैरह रख सकते हो. एंड ये 3 kg तक का चीजें होल्ड कर सकते हो. अभी बात करते हैं ब्रेक सिस्टम इंस्टॉलमेंट में. तो ब्रेक्स हमारा लगता है रेयर व्हील्स में और ये लीवर है ब्रेक का. जब आप इसे प्रेस करोगे नीचे की तरफ तो ये लॉक, इसका लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ जाके इसको लॉक कर देगा और यू कैन हियर द क्लिक साउंड लाइक दिस. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस स्विवल लॉक. ये आप देख सकते हो व्हेन यू रोटेट दिस लाइक दिस एंड यू पुट दिस अप तो ये रोटेट नहीं करेगा. सी सिमिलरली इस वाले व्हील में भी आप ऐसा कर सकते हो. तो सबसे अच्छी बात इस पूरे स्टॉलर के बारे में ये है कि ये जो सस्पेंशन स्प्रिंग्स दिया हुआ है इस पूरे फ्रेम में और इधर व्हील्स में भी, प्लस द एडिशनल रबर्स इन द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स, ये एक पूरा स्मूथ कुशनिंग देता है जब आप बेबी को राइड के लिए ले जाते हो और कहीं अनइवन सरफेसेस होता है. प्लस आप देख सकते हो, मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, ऐसे जब जर्क्स होता है तो ये सस्पेंशन स्प्रिंग्स शॉक एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से करता है. लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये स्टॉलर को फोल्ड कैसे करना है. इन जनरली मैं करती नहीं हूँ, तो अगर आपको करना होगा फिर भी एक बात बता देती हूँ. ये जो सेफ्टी लॉक है इसको हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ रखना है जब इसे स्टॉलर के जैसे इस्तेमाल करना है और यू टेक योर बेबी फॉर अ राइड. अभी अब अगर आपको ये फोल्ड करना है तो यू पुट दिस अपवर्ड. नीटली करने के लिए ये कॉर्ड को आप रिमूव कर देना जस्ट लाइक दिस, एज आई शोड यू. नेक्स्ट ये कर दिया आपने. ये जो दो तरफ के प्लास्टिक से ये ऊपर की तरफ खींचना है आपको लाइक दिस. मेक श्योर ब्रेक का लीवर लगा हुआ है एंड यू पुट दिस डाउन लाइक दिस एंड इट्स डन. फिर से अनफोल्ड करने के लिए यू पुट योर लेग इन द ब्रेक, होल्ड दिस हैंडल बार और खींचना. इट्स डन. कॉर्ड को लगाइए फिर से जस्ट लाइक दैट. अभी कॉर्ड के साथ फोल्ड करने के लिए मैं फिर से दिखा रही हूं आपको. इसको फिर से ऊपर की तरफ खींचो, ब्रेक में पैर रख के इसको आप नीचे की तरफ ऐसे कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको कोई क्वेश्चंस या सजेशंस है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.